सर जी सर डिसीजन करंटली आई एम स्टक इन द डिसीजन टू जबरदस्त बताओ तो क्या मैं अपनी स्टडीज के लिए बाहर मूव कर जाऊं या मैं अपने यहीं कैरियर डेवलप क्या कर रहे हो रैशनली देखा जाए नहीं नहीं पढ़ क्या रहे मैं सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट हूं ग्रेजुएटेड हूं अच्छा ठीक है अभी क्या कर रहे हो यहीं एज अ जॉब सर से अब क्या डिसीजन लेना है डिसीजन के अपनी एजुकेशन फर्दर के लिए मैं बाहर मूव कर जाऊं और या अपना कैरियर यहीं डेवलप इसका बड़ा आसान फैसला है देखो सबसे पहले ये बड़ी अच्छा पॉइंट है ये आजकल के हर इंजीनियर बच्चे के जहन में आता है एक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि वेरिएबल्स डेवलप करो अपनी लाइफ में कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले डिपेंडेंट्स यहाँ पे कितने हैं फोर है तुम चले जाओगे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ये तुम्हारा मेन वेरिएबल हो गया ठीक है अच्छा भाई बहन है जो पेरेंट्स को देख सकते हैं करंटली ये पाकिस्तान में ठीक है अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स को तुम छोड़ सकते हो मैंने अभी ये बात ही नहीं की तुम्हारा करियर कितना अच्छा होगा कितनी जबरदस्त लाइफ होगी पेरेंट्स को छोड़ सकते हो इन सम कंडीशंस यस इन केस जो मेरे पापा ही बाहर है वो वापस आ जाते मैं जा नहीं अगर वो कंडीशन नहीं होती फिर बस बड़ा आसान है ये फैसला अच्छा मैं तुमको ये देखो मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ होता पता है क्या है मैं यार बहुत सारे लोग होते हैं यार मैंने रिपोर्ट गलत बना दी मैंने बॉस को आज गलत कह दिया अब मैं क्या करूं वो इस पे बैठे रहते हैं वो ये नहीं सोचते कि क्या वो चीज वापस हो सकती है नहीं हो सकती ना इसी तरह मैंने तुमसे पहली बात भी पूछी डिपेंडेंट्स हैं कि नहीं है कि अब तुम्हें बाकी चीजों में गम करने का जोर ही नहीं है ना अब तुम नहीं जा सकते अल्लाह ना करे तुम जा सकते हो तुम नहीं जा सकते फर्ज करो अब तुम नहीं जा सकते बट तुम उस पर अपने करियर को ब्लेम डालोगे कि जब वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं था तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे पास मौजूद होना और वो तुम पे डिपेंडेंट है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है तो जो चीज हाथ में नहीं है ना उस पर अफसोस नहीं करते ये ध्यान में रखना तो ये फैसला बड़ा आसान हो जाता है कि यार मैंने तो ये फैसला किया ही नहीं ना ये हो गया अब इस पर रोना नहीं गेम ये है कि इस पर रोना नहीं